नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास टेंथ के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। मैं अभी आपको एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर का जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से करा रहा हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम 2 का सॉल्यूशन अच्छी तरह से करेंगे। तो देखिए, 2 का पहला क्वेश्चन कहा गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए, ए बी का मान पूछा गया है और इसमें बोल भी दिया है कि समीकरण का क्या युग्म कैसा होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, इसके आधार पे हमको ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो समीकरण दिया गया है इसको मैंने लिख दिया। तो पहले हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं कि दिया है समीकरण ये पहला और ये दूसरा लिख दिया। अब देखिए, इसमें हम किए क्या हैं दोस्तों कि यहाँ से a1, b1, c1 का मान ये सब लिख लेंगे। देखिए, यहाँ a1 का मान x में जो पहला समीकरण में सटा है, a1 का मान 2, और यहाँ पे a2 का मान कितना है, a-b। ठीक है, यहाँ पे देखिए b1 का मान 3 हो गया और b2 का मान क्या हो गया, यहाँ पे देखिए y में क्या सटा है, a+b, ये हो गया b2। अब देखिए, ये हो गया c1, तो c1 देखिए प्लस में है, तो इधर से बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा आपका c1। और देखिए C2 कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल के टोटल क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, इधर आएगा तो कोष्ट में हम लिख देंगे माइनस में, ये हम C2 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है, C2 बराबर -3a+b-2। अब देखिए, तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त लगाएंगे। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त क्या होता है, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि युग्म कैसा होना चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही शर्त होता है इसका। तो यहाँ पे हम a1 b1 का मान भरेंगे, तो देखिए a1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए तो a1 का मान यहाँ पे 2 है, a2 का मान क्या है, ये -b, b1 के मान 3 है, b2 का मान कितना है, ये +b, और c1 के मान -7, और c2 के मान यहाँ पे ये जो दिया गया है वो हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे a1 के मान, a2 के मान ये सब रख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ये पहला वाला और अंतिम वाला एक साथ लेना है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला और अंतिम लेते हैं एक साथ, तो देखिए 2/a-b और क्या है 7/3a+b-2। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो तीन दुना पहले हम इससे कर लिए हैं। ठीक है, तो 7 में a से तो 7a, -a तो -, b में 7 से तो 7b, यहाँ पे बराबर है तो बराबर। अब 2 से करेंगे इन सब में, तो 3 दुना कितना हो गया 6, a है तो a, प्लस है तो प्लस, b में 2 से करेंगे तो 2b, माइनस है तो माइनस, और 2 दुना कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इधर जितना है ना इस सब को इधर ला रहे हैं। तो देखिए ये प्लस है, इसको तो मैंने लिख दिया, ये प्लस में 6a था तो इधर आया तो माइनस में हो गया, ये प्लस में 2b था 2b तो यहाँ पे इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये देखिए माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7a में से 6a घटा तो a बच गया, -7b आ यहाँ पे -2b, ये दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 2 9b हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे देखिए +4 है तो +4। अब देखिए +4 को हम इस बराबर के उस साइड अगर भेजते हैं तो ये -4 हो गया, यानी कि a-9b बराबर कितना हो गया -4, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम एक बार और इसको लेंगे, किसको, यानी कि ये जो दूसरा वे है इस तीसरे के साथ लेंगे। ठीक है, ये और इसके साथ लेंगे, तीसरे और दूसरे तीसरे के साथ ले लेंगे, तो इतना बराबर इतना लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया इसको। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करना है, 7 में a से तो 7a और 7 में b से तो 7b, या बराबर है तो बराबर, 3 में a से तो 3 3i 9a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3 में b से तो 3b, या माइनस है तो माइनस, 2 3i कितना हो जाएगा 6। अब इसी तरह से इधर साइड वाले को इधर लाऊंगा, तो यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही लिख दिए, और ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया बराबर के इस साइड, और ये प्लस में था 3b तो बराबर के उस साइड गया तो माइनस में हो गया, और इधर -6b था ये बराबर के इस साइड था तो मैं बराबर के इसी साइड छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7a और यहाँ पे -9a, तो ये प्लस माइनस है तो घटेगा, तो 9 में से 7 गया तो क्या हो गया 2 हो गया, माइनस है तो -b a। अब यहाँ पे देखिए 7b प्लस में, यहाँ पे -3b, तो 7 में से 3 घटा तो 4b हो गया प्लस में, बड़ा कौन है 3 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी तो हो गया, अभी इधर -6 है तो -6। अब देखिए इसको हम क्या किए हैं कि हम दोनों तरफ -1 से अगर गुना करते हैं तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी सबका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसमें हम अगर हम इसमें देखते हैं कि क्या है,
तो देखिए यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे आपका दो बी दो टू ए लिखा है, तो इसमें टू ए है और उसमें ए है, तो उसमें अगर हम टू उस ये टू ए है तो इसको भी हम अगर टू ए बना दे तो टू ए कैसे बनेगा, तो इसमें दो से गुना करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण एक में दो से गुना करना पड़ेगा, ये भी प्लस में है वो भी प्लस में था तो माइनस कर देंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो देखिए यही किए हैं, समीकरण एक में दो से गुना किए हैं, माइनस कर दिए हैं ये समीकरण दो को, ठीक है। तो इसमें हम दो से गुना करेंगे तो दो में ए से तो टू ए और माइनस है नौ दुना अठारह भी, या इधर बराबर माइनस चार दुना आठ हो जाएगा, तो यही मैंने क्या किया गुना करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इसी तरह से इसमें तो कुछ करना ही है, ये केवल माइनस करके लिखना है, तो इसको हमने लिख दिया नीचे, और माइनस करने की बात किया गया है तो माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस ये तो घट गया तो ये क्या हो गया कट गया, अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, अभी बीच वाला आप चिन्ह नहीं देखना है, आपको नया जो बदले है उसको देखना है, तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह दिख रहा है आपको, तो 18 में से 4 घटेगा तो कितना हो गया 14 हो जाएगा, अभी है तभी। और यहाँ पे देखिए तो कौन बड़ा है आपका 18 बड़ा है, क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगाइए, बराबर है ये सब बराबर दीजिए, ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस आठ है माइनस छः माइनस चौदह, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब ये 14 ऊपर चल जाएगा, 14 सटा है तो बटा में चला जाएगा, 14 बटा 14 कट के क्या हो गया एक, यानी ए बी का मान क्या हो गया एक हो गया। अब बी का मान कहाँ रखेंगे तो समीकरण एक में रखने पर, तो यही लिख दिया हूँ कि समीकरण एक में बी का मान रखने पर, समीकरण एक जो था यही ना था समीकरण एक, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण एक हमारा था ए माइनस नौ बी बराबर माइनस चार, तो इसमें हम क्या करेंगे बी का मान रखेंगे, ये लिखकर यहाँ पे ए माइनस है तो माइनस नौ है तो नौ, और यहाँ पे बी का मान कितना आया था एक आया था ना, तो गुना एक हो जाएगा, बराबर में माइनस चार है तो बराबर में माइनस चार, नौ ए माइनस नौ एकम नौ और यहाँ पे बराबर में माइनस चार, यहाँ पे माइनस नौ है तो उधर गया तो प्लस में हो गया, यानी कि अब देखिए प्लस माइनस ये तो घट जाएगा ना, अब नौ में से चार घट गया तो पाँच हो गया, तो ए का मान क्या हो गया पाँच और बी का मान क्या हो गया एक, और तो आपका ए का मान पाँच बी का मान एक हो गया, ये राइट आंसर आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दो का दो नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि के किस माने के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने का शर्त लगा के आपको के का मान निकालना है, तो ये देखिए समीकरण दोनों दिया है, इसको हमने लिख दिया कि दिया है समीकरण, ये दोनों को हमने लिखेंगे पहले, सबसे पहले ठीक है, तो चलिए ये लिख दिया है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे a1 b1 का पहले मान लिखेंगे हम, तो a1 का मान तीन है, a2 का मान कितना है आपका तो 2k-1 ठीक है, यहाँ पे देखिए b1 का मान एक है कुछ नहीं, यहाँ पे 1 छः बार आता है तो 1 हो गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आपका b2 का मान हो गया k-1, और यहाँ पे देखिए c1 का मान ये प्लस में है बराबर के उस साइड इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा c1 का मान, और c2 का मान ये देखिए प्लस में है, ये टोटल में कोस्ट लगा के माइनस में लिख देंगे उधर, तो यानी सी2 का मान हो गया -2k+1 ठीक है कोस्ट में। अब कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, तो यही ना हम आपको सूत्र ये पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं, यदि हमारे पहले वाले जितने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये याद होगा कि कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इस पर हम मान भरेंगे तो 3/2 में है क्या हो जाएगा 2k-1, तो यहाँ पर मान भर दिए बराबर है तो बराबर, बी वन के मान कितना एक है, बी टू के मान कितना है तो k-1, तो वही हमने भर दिया प्लस, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लगा दिया, सी वन के मान जो लिखा है -1 लिख दिया, और सी टू के मान जो लिखा है नीचे लिख दिया, अब देखिए -1 ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए ये तो नॉट इक्वल टू, ये तो दोनों बराबर नहीं, ये नॉट इक्वल टू वाले को छोड़ देंगे, ये दोनों आपस में बराबर, इसको केवल हम ले लेते हैं ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो इसको हमने ये दोनों को बराबर कर लिया और इसको तिर्यक गुणा करेंगे ठीक है, तो तिर्यक कैसे गुना करेंगे तो देखिए तीन से पहले इसमें कर लेना, तो तीन में कैसे तो तीन के माइनस है तो माइनस, एक में तीन से तो तीन हो गया बराबर है तो बराबर, अब एक में इतना से करिएगा तो यही उतर जाता है। अब देखिए ये टू के है ना, टू के को उधर लेकर जाऊंगा ठीक है, तो ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस हो जाएगा, ये -1 इधर छोड़ दूंगा, ये माइनस है तो -3 है तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा ठीक है, यानी कि देखिए 3k-2k इधर -1 +3 हो जाएगा, ये देखिए 3k-2k घट के क्या हो जाएगा k, और यहाँ पे 3 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी k का मान क्या आ गया आपका 2 आ गया ठीक है, अतः k का मान पता चल गया आपको। अब चलिए अगला क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि का आप
अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रैखिक समीकरण दे दिया है, इसको आपको बोला है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, वज्र गुणन विधि से भी हल करना है। तो सबसे पहले हमने इसको समीकरण एक दो मान लिया। अब एक दो मानने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, लिखते हैं इस समीकरण एक से, और समीकरण एक वाले जो है ना पहला वाला को लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आठ एक्स को इधर छोड़ देंगे, यहाँ पे नौ है तो नौ, ये प्लस में है तो इधर गया था माइनस में, यहाँ पे आठ सटा है तो बटा में चल गया, इसको समीकरण तीन मानना है। अब क्या करना है, ये समीकरण दो में है जो एक्स का मान है निकाले है ना, ये वाला भरेंगे। तो समीकरण ये दो आया था ना, ये लिखे थे ना समीकरण दो, तो इसको हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए तीन है तो तीन, एक्स के स्थान पे जो था इसको कोष्ठ में लिख दिया, प्लस में दो है, वाई है तो वाई, बराबर में चार है तो बराबर में चार। ठीक है, ये देखिए तो कट नहीं रहा है, तीछे तीछे तो हम ये तीन से सब में गुना कर देंगे, तो नौ नौ तीन सत्ताईस हो जाएगा, नौ तीन सत्ताईस माइनस है तो माइनस, और तीन पच्चीस पंद्रह, अब वाई है तो वाई, बटा में आठ है तो आठ, प्लस में दो वाई है तो दो वाई, बराबर में चार है तो बराबर में चार, बटा एक लगा के और आठ एक का लघुत्तम आठ हो गया, ये आठ आठ बराबर है तो ये ऊपर वाला उतर जाता है, ये एक आठ एक आठ तो यार दूना सोलह हो जाएगा, अब बराबर में चार है तो बराबर में चार। अब देखिए यहाँ पे सत्ताईस हो गया, अब यहाँ पे देखिए प्लस में माइनस में पंद्रह है, यहाँ पे प्लस में सोलह है, तो सोलह में से पंद्रह घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक वाई, सोलह वाई में से एक पंद्रह वाई घट जाएगा तो एक वाई बचेगा ना। अब देखिए और इधर चार है तो चार और बटा में आठ है तो आठ, अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो कैसे गुना करते हैं, बटा के लगाकर, तो एक से गुना करेंगे तो इतना ही रह गया, और आठ चौके बत्तीस हो गया, अब वाई इधर छोड़ देंगे तो ये सत्ताईस उधर बत्तीस में से जाकर घटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका वाई का मान हो गया पाँच। अब ये समीकरण तीन में वाई का मान रखने पर, तो समीकरण तीन कितना आया था हमारा, यही ना तीन माने थे, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वाई का मान कितना भरेंगे पाँच, तो देखिए वाई के स्थान पर पाँच भर देंगे, तो पाँच पचे पच्चीस हो गया, यानी नौ में से पाँच पच्चीस घटा तो कितना हो जाएगा माइनस सोलह, और बटा में आठ है ना काटिए तार दो ना सोलह, यानी माइनस दो हो गया, ये वाई एक्स एक्स का मान आ गया, तो अतः एक्स का मान माइनस दो और वाई का मान पाँच हो गया। ठीक है, अब चलिए ये तो आपका, ये आपका कौन सा था प्रतिस्थापन विधि से, ये ऐसे ही बनता है। अब ये इसको ब्रज गुणन विधि से बनाना है, तो ये दोनों समीकरण को हम लिख दिए। अब यहाँ पे ए वन बी वन का मान लिखेंगे, तो ए वन का मान आठ, ए टू का मान तीन, बी वन का मान है पाँच और बी टू का मान है दो, और यहाँ पे सी वन इधर से बराबर के इस साइड से उस साइड जाता है ना, तो ये माइनस नौ हो जाएगा सी वन का मान, और ये माइनस चार सी टू का मान हो जाएगा। अब ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए एक्स का सूत्र क्या होता है, बोले थे ना कि बी सी बी सी लिख देना है ऊपर और नीचे ए बी लिख देना है, अब बारह इक्कीस बारह इक्कीस लिख देना है, यहाँ पे बारह इक्कीस बारह इक्कीस और बीच में माइनस लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे ये सूत्र लिख दिए, अब इसमें हम मान भरेंगे, तो आठ यहाँ पे देखिए बी वन का मान, तो बी वन का मान कितना है पाँच, तो लिख दीजिए पाँच, गुना में यहाँ पे चिन्ह छिपा रहता है, सी टू, तो सी टू का मान माइनस चार है तो लिख दीजिए माइनस है तो माइनस सी, बी टू, बी टू का मान क्या है दो, और यहाँ पे देखिए गुना का चिन्ह छिपा रहता है, सी वन, सी वन का मान माइनस नौ तो लिख दीजिए, अब नीचे में ए वन, ए वन का मान कितना है आठ तो लिखिए, और गुना का चिन्ह छिपा है, अब यहाँ पे देखिए ए बी टू, बी टू का मान दो है तो दो लिखिए, माइनस है तो माइनस, ए टू, ए टू का मान कितना है आपका तीन, और गुना बी वन, बी वन का मान कितना है पाँच, अब ये कैलकुलेशन करिए तो चार पच्चीस बीस हो गया, माइनस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, नौ दूना अठारह और नीचे आठ दूना सोलह और तीन पच्चीस पंद्रह, यहाँ पे देखिए घटेगा ना प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस टू, और यहाँ पे सोलह में से पंद्रह घटा एक, तो यानी कि आपका क्या आ गया माइनस टू हो गया, किस चीज़ का मान एक्स का मान। अब इसी तरह से हम वाई का मान निकालते हैं ब्रज गुणन विधि से, तो हम क्या बोले थे कि सी ए सी ए लिखना है ऊपर और नीचे ए बी ए बी लिखना है, सी ए सी ए लिख देना है और बारह इक्कीस बारह इक्कीस बारह इक्कीस नीचे भी बारह इक्कीस लिख देना है, बीच में माइनस लगा देना है। अब इस सूत्र कम लिख दिए, इसी तरह से यहाँ पे मान भरेंगे सी सी वन गुण ए टू, तो देखिए यहाँ पे सी वन कितना है माइनस नौ, ए टू का मान कितना है तीन, यानी माइनस नौ गुणे तीन लिख देना है, देखिए माइनस नौ गुणे तीन, यहाँ पे माइनस होता है माइनस सी टू गुणे ए वन, तो सी टू का मान कितना है आपका माइनस चार, ए वन का मान आठ है तो यानी माइनस चार गुणे आठ तो लिख देना है माइनस चार गुणे आठ, और नीचे आपका ए वन बी बी टू माइनस ए टू बी वन, यानी यहाँ पे जो हम मान भरे ना यही मान वहाँ भी हम क्या करेंगे भर देंगे, तो भर दिए। अब यहाँ पे देखिए नौ तीन सत्ताईस हो गया माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आठ चौका बत्तीस हो गया, यहाँ पे आठ दोनों सोलह, पाँच से पंद्रह, सोलह में से पंद्रह गया एक, और ये माइनस सत्ताईस बत्तीस में से सत्ताईस कम हुआ तो पाँच, एक से भाग देंगे तो पाँच, यानी अतः एक्स का मान हो गया माइनस दो और वाई का मान हो गया पाँच। और इसमें हम देख रहे हैं कि हमें अधिक उपयुक्त कौन सा अच्छा लगा है, तो हमें ब्रज विधि जो है हम इसको अधिक उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि ये आसानी से एकदम केवल मान भर देना था ए वन बी वन का, और आसानी से हम निकाल लिए एक्स का मान और वाई का भी मान आसानी से हम निकाल लिए, तो यही हम हमारे लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। तो यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, और इसका अगला जो क्वेश्चन है का सॉल्यूशन मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।